हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गोभी आलू की बहुत ही फटाफट से बनने वाली सब्जी, और बनाने में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसके लिए आइए देखते हैं हमने क्या क्या सामान लिया है। ये गोभी लिया है हमने, 300 ग्राम के करीब है। इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। ये आलू है 250 ग्राम के करीब, ये भी हमने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं। जो हमने टमाटर लिए हैं इनको हमने मोटा काट लिया है। प्याज हमने लिए हैं एक बड़ी सी, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। जो हरी मिर्च ली है इसको लंबे शेप से काट लिया है। कुछ पाउडर मसाले हैं, धनिया पाउडर है एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ये हमारे पास चाट मसाला है आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, नमक हमारा जायके के मुताबिक है, एक चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने तड़के के लिए जीरा लिया है आधा चम्मच, और दो चुटकी हमारे पास हींग है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ये हमने एक चमचे तेल लिया है, तो इसको पहले गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम जो जीरा है और हींग है इसको डाल देंगे। तो हल्का फ्राई होने देते हैं। जीरा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जो प्याज है इसको डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें गोभी डालेंगे। देखिए, इसमें अब हम गोभी को हमने धो के और सुखा लिया था, हमने मोटा मोटा काटा है, और इसी के साथ हम ये आलू डाल देंगे। इसको हम बहुत अच्छे से हमें फ्राई करनी है। थोड़ी सी जगह करके ये हम हरी मिर्च डालना भूल गए थे, तो इसको डाल देंगे। थोड़ा सा तेल में ये फ्राई हो जाएगी, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। तो बराबर चलाते रहेंगे। गोभी और आलू को हमें 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए, बीच बीच में इसको चलाते रहना। अगर मेरे तरीके से आप गोभी आलू एक बार बना के देखें, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फटाफट से ये गोभी आलू की सब्जी तैयार हो जाती है, टेस्टी भी बहुत। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं गोभी को फ्राई होते हुए। अब इसमें जो हमारे पास टमाटर है दो कटे हुए, इसको बीच में डाल देंगे। आप टमाटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इस टमाटर और डाल सकते हैं। देखिए, इसको हम अभी टमाटर के साथ 5 मिनट और फ्राई करेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने बीच में चला दिया था। अब ये जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको भी डाल देंगे। आपके पास है और आप खाते हैं तो डाल लें, वरना अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं डालें, तब भी आपके गोभी आलू बहुत टेस्टी बनेगी। इसको मिक्स कर देंगे। इसी के साथ जो हमारे पास चाय मसाले हैं वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट से लिए हम इसी के साथ इस तरह से ही भूनेंगे, बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 10 मिनट हमने गोभी को फ्राई किया है, हमने प्रॉपर फ्राई नहीं किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको अब हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे,
बाद में हम आपको थोड़ा सा पानी डाल के दिखाते हैं, इसको हम भूनते हैं। ये बिना पानी के इस तरह से फ्राई हो रही है, हमने अभी इसमें पानी नहीं डाला है। अभी हमने गैस को रखा हुआ है, इसके लिए हमने स्टील का बर्तन है, तो अब इसमें हम पानी डालेंगे आधा कप्पी करीब। देखिए ये वाली जो कटोरी है, हमने एक कटोरी इसमें पानी डाल दिया है, और अब हम गैस की फ्लेम कम करके और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, इसको ढक देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला भी भुनेगा और हमारी गोभी भी और आलू गल भी जाएंगे। गैस की फ्लेम कम करके उबाल आ चुका है, इसको हम ढक देंगे, इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये हम 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। ये देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं बीच में, इसको हम चला के देखते हैं। देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है, थोड़ी देर और हम इसको पकाएंगे। तकरीबन हमारे आलू भी गल चुके हैं, इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, इसको हम ढक के रख देते हैं। स्लो गैस पे ही अभी हम 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। देखिए गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बनके। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला ऐसे छिड़क देंगे, और ये जो हरा धनिया है ये हमने बारीक काट लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी, अब इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। आलू और गोभी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मेरे बच्चों को ज़्यादा खिली खिली गोभी पसंद नहीं है। इसको हम प्लेट में निकालते हैं। देखिए आलू गोभी की सब्जी बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ओके, थैंक यू।